सीआरपीएफ 118 बटालियन ने गनिवान कंगन में बड़े जोश और उत्साह के साथ तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली को सीआरपीएफ 118 बटालियन के कमांडेंट एसएस यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्र गौरव और एकता के शक्तिशाली प्रदर्शन में गांधरबल पुलिस ने देशभक्ति की भावना को जगाने और नागरिकों को राष्ट्र के वीरों द्वारा किए गए बलिदानों का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई विशाल तिरंगा रैलियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। तिरंगा रैली में सिक्योरिटी फोर्सेज और नागरिकों की सामूहिक भागीदारी ने एकजुट मोर्चे का प्रदर्शन किया, जो राष्ट्रीय अखंडता की भावना को दर्शाता है, एकता और देशभक्ति की छाप छोड़ता है। मेरा नाम उत्कंठा है और मैं इसी स्कूल में 12th क्लास में पढ़ती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज तिरंगा रैली थी। तिरंगा हमारे देश मुल्क का झंडा है, तो जैसे कि आप लोग को पता है, हमारे स्कूल में आज इसकी रैली निकाली गई थी और हमारे टीचरों ने भी इसे पार्टिसिपेट किया और इसका सीआरपीएफ भी थे और पुलिस भी थे और बहुत ही अच्छा लगा हमें। हम चाहते हैं कि सब इसमें पार्टिसिपेट करें। माफी ना फयाज है, मैं 12th क्लास से बिलोंग करती हूँ एंड आज यहाँ पे सेलिब्रेशन था 15 अगस्त पे, जो हमने पहले ही किया और हमें यहाँ पे बहुत हैप्पी फील हुआ। हमने रैली भी निकाली यहाँ पे, सीआरपीएफ पुलिस आर्मी सब आए थे, हमें बहुत हैप्पी फील हुआ। बहुत अच्छे से हमने रैली भी निकाली, बहुत अच्छा सा हमें मतलब यहाँ पे अच्छा सा फील हुआ एंड हम सबको बोलते हैं कि आप भी पार्टिसिपेट किया करो, बहुत अच्छा लगता है जब पार्टिसिपेट करते, बहुत हैप्पी फील होता है। 13 अगस्त को सीआरपीएफ कैंप हरी गनीमन और 22 हायर सेकेंडरी स्कूल हरी गनीमन के बच्चे ने तिरंगा रैली निकाली। इसमें SDPO कंगन, SHO गुंड और बाकी अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया और इस तिरंगा रैली में बच्चे बहुत खुश थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ने हिस्सा लिया और बहुत ही खुशी का इजहार उन्होंने किया है आज। मैं दूसरे बच्चों से भी और लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि इसमें पार्टिसिपेट करें और आने वाले 15 अगस्त में पार्टिसिपेट करेंगे।